हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके एक नए टॉपिक के साथ। ठीक, तो जो हमने अभी बीटीसी का जो लेक्चर डाला था वो आपने, मैं उम्मीद करता हूं, देख लिया होगा। ठीक, अब उसका जो अगला लेक्चर है हमारा चैप्टर 8 है। ठीक, कौन सा चैप्टर है? 8। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं 7 चैप्टर नहीं करा पाया, मैं इसके बाद आपको चैप्टर 7 ही दूंगा। ठीक, और आप पहले 8 स्टडी कर लो, उसके बाद हम आपको 7th वाला चैप्टर देंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स क्या है इस चैप्टर में। बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। देखो, तो चैप्टर का नाम है आपका सजातीय तथा विजातीय बीजगणित, व्यंजकों का बोध तथा इनका जोड़ और घटाना। ठीक, आपके में जो सेमेस्टर में जोड़ और घटाना ही है, गुणा नहीं है और ना ही डिवाइड वाला है। ठीक, होगा तो अगले एक्सरसाइज में आएगा, हम उसको भी कराएंगे। ठीक, इससे एक्सरसाइज में हमें जोड़ और किसके बारे में सीखना है, घटाना के बारे में। ठीक, तो सजातीय क्या हो जाता है और विजातीय क्या हो जाता है, पहले से समझे। सजातीय, ठीक, और ये क्या हो जाता है, सजातीय और विजातीय। तो देखो, जैसे मैंने लिख दिया एक्स और प्लस मैंने लिख दिया एक्स, और जैसे मान लो लिख दिया मैंने एक्स प्लस की वाई, तो देखो ये दोनों क्या है, आपके सजातीय है, एक से है, मतलब इनको हम जोड़ सकते हैं, एक्स को एक्स में जोड़ सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम, 2x। अब एक्स को जो एक ये एक्स और वो क्या है, बाई, यानी एक से जात के तो नहीं है, इनकी जात कैसी है, अलग अलग है, अलग अलग है, यानी क्या हो आपके विजातीय है। इनको हम ऐसे ही लगे रहने देंगे, ऐसे ही लगे रहने देंगे। ठीक, अलग से कुछ नहीं करेंगे। अब कहो सर एक्स में एक्स स्क्वायर जोड़ दो, तो एक्स में एक्स स्क्वायर नहीं जोड़ता है, क्यों, क्योंकि इनकी जात भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो है तो ये भी एक्स वाला, ये भी, लेकिन इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो ये भी अभी नहीं जुड़ेंगे। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 2x स्क्वायर, गलत होगा। कब लिख सकते हैं, जब दोनों की जात कैसी हो, समान, दोनों की पावर कैसी हो, समान, तब जाके हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x स्क्वायर। ठीक, तो हम इन कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है 5a-2b को जोड़ना है, जोड़ना मतलब क्या लगा है, प्लस 2a+3b में। तो देखो 5a-2b को जोड़ना है, काय को जोड़ना है, 2a+3b में, 2a+3b में जोड़ना है, तो सेम। ठीक, देखो यहाँ के चिन्ह कब बदलते हैं, जब हम क्या करते हैं, घटाते हैं, हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे, तो क्या जोड़ेंगे, अब 5a और 2b, देखो एक से जात के हैं कि नहीं, देखो a है ना, और सेम पावर है 1 के। ठीक, तो 5a और 2a कितना हो जाएगा आपका, 7a, कितना हो जाएगा, 7a। ठीक, अब प्लस के 3b में से प्लस के 3b में से क्या गया, माइनस के 2b, तो 3b में से 2b गया, तो प्लस का क्या बचेगा, 1b, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक, अब पहले जोड़ वाले कभी ले रहे, उसके बाद हम क्या करेंगे, घटाने वाले। ठीक, सेकंड में घटाना है, अभी रुक जाओ, थर्ड वाला करो। ठीक, थर्ड वाला क्या है आपका, 5x³+2x² + 8 में हमें किसको जोड़ना है, 2x³+x² + 5। तो देखो तीन पावर वाले को 3 के नीचे लिखेंगे, 3 घात वाले को 2x³+x² + का कितना, 5, प्लस का कितना, 5, इसे जोड़ना है तो जोड़ दो। ठीक, जोड़ दो सीधा, अब क्या हो जाएगा आपका, 5x³ और 2x³, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और x³ का मान सेम। ठीक, अब प्लस के 2x² और + 1x², तो क्या हो जाएगा, +3x². ठीक, अब +8 और +5 तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13, ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, अब तो ये तो हो गए आपके जोड़ने वाले, अब इन्हीं सवाल को अगर मैं घटा दूं, देखो इसके लिए जैसे मैंने भूल दिया क्या करें, इसको घटाओ, अभी मैंने क्या लिखा था, जोड़िए, अब मैंने लिख दिया जैसे को क्या करिए, घटाइए, तो घटाएंगे तो देखो क्या होगा, तो देखो हमें ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को घटाना है, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, क्या होती है, चिन्ह बदल जाते हैं। देखो जहां पे प्लस लगा होगा वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक, जहां पे क्या लगा होगा, प्लस, वहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, और जहां पे माइनस लगा होगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, और जब संख्या में से कुछ नहीं लगा इसमें, तो ये कार्य चिन्ह होगा पहले से प्लस का रहता है, क्या कहता है, प्लस का। तो देखो करें, घटाने पर, घटाने
पर। तो देखो यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है, ये प्लस का है अभी, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस का है तो क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस का है तो क्या आएगा माइनस। ठीक, अब पांच एक्स क्यूब में से मतलब पांच एक्स की घात तीन में से सॉरी दो एक्स की घात तीन गया। ठीक, पांच एक्स की घात तीन में से दो एक्स की घात तीन गया तो क्या बचा तीन एक्स की घात तीन। ठीक, अब प्लस की दो एक्स स्क्वायर में से माइनस का एक एक्स स्क्वायर गया, इसको तो भूल जाओ, नीचे वाला चिन्ह हमें रखना है, दो एक्स स्क्वायर में से प्लस के में से माइनस का एक एक्स स्क्वायर गया यानी प्लस के एक एक्स स्क्वायर। ठीक, अब प्लस के आठ में से और नीचे वाला इसको भूल जाओ, प्लस के आठ में से माइनस का पांच गया यानी प्लस का तीन, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब अगर इसको घटाएं हम, ठीक इसी को क्या करेंगे हम घटाने पर, ठीक घटाएं तो घटाएंगे तो क्या होगा चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस क्या है तो होगा माइनस, प्लस क्या है तो होगा क्या माइनस, तो यानी पांच ए में से माइनस का टू ए गया, पांच ए में से माइनस का टू ए गया तो क्या बचा आपका थ्री ए। अब यहाँ पर देखना माइनस का टू बी और इसको भूल जाओ नीचे वाला ध्यान रखेंगे माइनस का थ्री बी, यानी दो रुपए का घाटा लग रहा और तीन का लग रहा, तो टोटल कितने का लग रहा माइनस के फाइव बी, मतलब पांच रुपए का हमें क्या लग रहा है घाटा, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, तो अब बाकी ऊपर के लिए आपके तीन क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। तो देखो आपका सवाल नंबर दूसरा क्या है, नौ एक्स माइनस सात वाई में समय किसको घटाना है, थ्री एक्स प्लस के चार वाई, इसे क्या करना है घटाना है, तो घटाएंगे तो माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस के थ्री और माइनस के सॉरी प्लस के नौ है और माइनस के थ्री है, यानी नौ एक्स में से थ्री एक्स गया तो क्या एक्स बचा आपका छह एक्स। ठीक, यहाँ पर माइनस के सात वाई का घाटा लगा, यहाँ पर माइनस के चार वाई का घाटा लगा, तो हमारा टोटल कितना लगा सात और चार ग्यारह वाई का लॉस हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसी प्रकार सवाल नंबर चार देखो, तीन हम करा चुके, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के चार में से, इसमें से हमें किसको घटाना है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस छह एक्स और प्लस की कितना तीन, इसके लिए हमें क्या करना है घटाना है, तो घटाते हैं तो क्या होते हैं चिन्ह बदल जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप घटाने पर, तो प्लस का लगा यहाँ पे माइनस, माइनस का लगा, अब माइनस का लगा तो मैंने बोला था विपरीत चिन्ह लगाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस का लगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस की तीन एक्स स्क्वायर में से देखो, माइनस के तीन एक्स स्क्वायर में से प्लस का एक्स स्क्वायर गया, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटी, बड़ी में से क्या घटी छोटी, तो क्या बचेगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं बचेगा कि नहीं क्योंकि हमने बड़ा में से छोटा घटा है ना, तो माइनस का दो एक्स स्क्वायर, अब माइनस के पांच एक्स और प्लस की कितना छह एक्स, इसको भूल जाओ नीचे वाला ध्यान, प्लस की कितना छह एक्स, तो यानी छह एक्स में से क्या क्या माइनस का पांच एक्स, तो प्लस का क्या बचेगा एक्स बचेगा। ठीक, इसी प्रकार प्लस के चार में से माइनस का तीन गया, प्लस के चार में से माइनस का तीन तो प्लस का वन, ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, सवाल नंबर कितना हो गया आपका चार में कम्प्लीट हो गया। सवाल नंबर पांच देख लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से माइनस लगा यानी हमें क्या करना है घटाना है किसको, एक्स माइनस वाई प्लस के जेड को घटाना है। ठीक, घटाना है तो देखो घटाते कैसे हमें बताया दिया, घटाने पर क्या होते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, देखो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा माइनस, अब प्लस का एक्स में से माइनस का एक्स गया तो क्या बचेगा जीरो, कट जाएगा कि नहीं, प्लस के एक्स से क्या कट जाएंगे माइनस के एक्स, अब प्लस के वाई और प्लस के वाई इसको भूला नीचे वाले, प्लस के वाई प्लस के वाई और प्लस के टू वाई। ठीक, अब प्लस के जेड और माइनस के जेड ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका प्लस के टू वाई। ठीक, अब कुछ लोग क्या करते हैं सीधे सीधे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं आप, जरूर नहीं ऐसा करें। ठीक, तो देखो सीधे सीधे कैसा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये देखा, अब माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस का कहाँ कर दो अंदर गुणा, पहले माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस की जगह हो जाता है माइनस और माइनस की जगह हो जाता है प्लस। ठीक, तो माइनस, अब एक माइनस और यहाँ पर देखो प्लस का एक्स है कि नहीं, तो माइनस का प्लस में करेंगे तो माइनस का एक्स। ठीक, और माइनस का गुणा जब माइनस में करो, माइनस का गुणा जब माइनस में करो तो क्या होता है प्लस। अगर आपने दोस्तों मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें मैंने सारे गुणा करने सिखाया है कैसे करते हैं।
ठीक। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और अगर आपको ये कठिन लगे तो आप वैसे सॉल्व करो जैसे भी लिखा था मैंने उसी टाइप से, ठीक। माइनस का जेड प्लस का जेड कट गया, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, प्लस के बाई और प्लस के बाई कितना हो जाएगा, टू बाई, कितना हो जाएगा, टू बाई, ठीक। अब इसको इस चैप्टर से आपका एक लास्ट क्वेश्चन बनता है जिसमें लोग घूम जाते हैं, ठीक। वो सवाल क्या है देखो, हम आपके सामने शो करते हैं क्या है सवाल, मिल जाए बस एक बार फिर मैं आपको वो भी कराए दे रहा। हाँ, और सवाल कहाँ है, सवाल कहाँ है, सवाल कहाँ है, नहीं तो आपका तो ठीक है। क्वेश्चन और कैसा बनता है तो देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। जैसे आपको दिया है 3x² प्लस का 2x प्लस का 6, में से मैं क्या करना है, 3y² प्लस का 2 प्लस का 2y। अब देखो इसमें x वाले टर्म्स हैं और इसमें y वाले पद हैं, तो ये कैसे घटेंगे देखो, लिखेंगे पहले, लिखी हमने x वाले और जो घटाने वो नीचे लिख लो, ठीक। और इसको हमने नीचे लिख दिया, अब घटाते हैं हमें क्या लिखना है, घटाने पर, तो माइनस और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ऐसा नहीं कर देना कि 3x² में से माइनस का 3y² घट जाएगा, जीरो बचेगा, भैया विजातीय पद है, सजातीय नहीं है, ये x और क्या है y, तो इसको सेम उतार दो 3x² और माइनस का है तो माइनस का 3y², ठीक। लिख दिया हमने, अब प्लस के 2x में से माइनस के 2 घटेंगे क्या, नहीं घटेंगे, इसमें x है यहाँ पर तो x ही नहीं, तो इसको सेम लिख दो आप प्लस के 2x और इसको क्या लिख दो माइनस का 2, ठीक। इसके लिए काय का 2, माइनस का 2, ऐसे देखो, हाँ, और देखो प्लस का 6, ठीक। यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिए, एक बार देख लो मैं सही से बता देना, 3y², अब देखो प्लस के 2 को हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक, और प्लस का 2y यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ठीक। लिख लिया उसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, आगे लिख ले रहे हैं, क्योंकि देखो किसी से इसका ही पद है नहीं, ए वाला है नहीं, तो हम इसको इसके नीचे लिख लिया, अंक के लिए 6 और 2 के लिए, क्योंकि एक दूसरे से घट सकते ना, ए घटेगा ना ए वाले, ना ए वाले, ना ए वाले। तो अब हम ऐसा करके इसको क्या करेंगे, घटाने पर, तो माइनस माइनस, ठीक, और माइनस, अब ये वाले तो ऊपर लिखे, ये थोड़ी बदलेंगे, चिन्ह नीचे का बदलते हैं, यानी माइनस का 3y², ठीक, और ऊपर क्या है प्लस का 3x² और प्लस का 2x। अब देखो प्लस के 6 में से, प्लस के 6 में से माइनस का 2 गया, ऊपर वाले को चिन्ह भूल जाते, कौन सा लगता नीचे वाला, 6 में से कितना गया 2, तो क्या बचेगा प्लस के 4, और देखो माइनस का कितना 2 गया, ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी, ठीक। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।